So everyone, here it is, Reshmi chicken recipe. So yummy and so simple and so quick. ये जो है 2 kg के around मेरे पास chicken है, 2 kg plus है, ठीक है. इसको जो है मैंने marinate करना है सबसे पहले इन spices में. Spices कौन कौन सी हैं? पिसा हुआ धनिया है और पिसा हुआ भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और हल्दी powder है और पिसी हुई मिर्चें हैं और नमक है. ये मेन स्पाइसेस जो कि किसी भी ग्रेवी में डलते हैं, मेन होते हैं, ये इसमें मैंने डाल दिए हैं. और इसकी जो मैरिनेशन करनी है हमने 2 से 3 घंटे करनी है. ये जी मैंने योगर्ट लिया है. योगर्ट जो है ये बड़ा बाउल है, ये इसमें छोटा लग रहा है स्क्रीन में. 2 kg के अराउंड चिकन है तो मैंने इसमें जो है 1 kg जो है डालना है योगर्ट, ठीक है. योगर्ट से इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है. इसको अच्छी तरह से योगर्ट के साथ और इन स्पाइसेस के साथ मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए. और इसमें मैं डाल रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट. अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया. अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी विनेगर. और विनेगर से चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और इसका टेस्ट अच्छा आता है. जमाल बिल्कुल रूखा चिकन नहीं खाते, वो थोड़ा टेंडर चिकन खाते हैं, इसलिए मैं हमेशा चिकन में विनेगर ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ. इससे ये थोड़ा सा टेंडी हो जाता है. एक तरफ मैंने कोयले जो है वो फ्लेम पे रख दिए हैं. ये इसको मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि ये थोड़े से रेड हो जाए. अभी ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो फिर ये इसका हमने स्मोक देना है चिकन में. चिकन का मसाला मैंने बनाना शुरू कर दिया है. ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने. और ये जी प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना. जो है इसमें डाल दिए हमने टमाटर, ठीक है. इसकी ग्रेवी बना लेंगे. प्याज को मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं करा, सॉफ्ट करके येलोश करके जो है उसके अंदर टमाटर डाल के इसकी ग्रेवी बना ली. इसको जो फ्राई कर लें जब इसका जो है मसाला अपना ऑयल छोड़ दे, तो इसमें आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है. जो कोयले का स्मोक है आप चाहो तो इस पर एंड पे भी लगा सकते हो, उससे भी इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है स्मोक से, ठीक है. और ये जो है मैंने सबसे एंड में डाली है इसके अंदर क्रीम. क्रीम डाल के इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी मैं. बहुत सिंपल, बहुत क्विक बनती है रेशमी हांडी. इसको ज़रूर आप ट्राई करें, घर पे बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, बहुत अच्छी बनती है. आप चाहे तो इसको ट्राई ज़रूर करें.